यार मेरे को नहीं पता चलता क्या बोल रहे हो तुम। दिल वाले दीवाना। हाँ दीवाना, दिल बड़ा इजी काम है। पापा कोई भी गाना गाना गा लो। कितनों की लव स्टोरी यहाँ, केसरिया तेरा। हे गाइज, वेलकम बैक टू ध्रुवज राव व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो गाइज, आज का व्लॉग ना इवनिंग सेशन में शुरू हो रहा है, क्योंकि आज का व्लॉग ना मैंने ऐसा सोचा है कि आज जो हम करने वाले हैं ना वो धमाकेदार होने वाला है, और वो धमाका क्या होने वाला है उसके लिए तो आपको व्लॉग के एंड तक बने रहना होगा। तो गाइज, सबसे पहले तो ना मैं ईद की बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी आप सभी लोगों को, ईद मुबारक। तो ईद के खास अवसर पर हमने सोचा कि आज का व्लॉग भी कुछ खास बनाते हैं, तो होप आप लोगों को पसंद आएगा, और मुझे ना कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी देने आज आपको। तो व्लॉग के एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हेलो हेलो सेवी, चलो हाई फाई करो, उठो उठो, उठो भाई हाई फाई तो करो भाई, हाई फाई नहीं करना। अच्छा अच्छा, बिक्की भी है, अच्छा चल गया काम। अब ना ये बहुत कैमरा शाई हो गया है। तो गाइस, आपको बता दें कि सेवी को ना कल गर्मी लग रही थी, क्योंकि जब भी गर्मी आती है ना तो सेवी को बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए ना पहले सेवी यहाँ पे सोता था, अब नीचे टाइलों पे प्रेफर करता है। क्योंकि चंडीगढ़ में ना, जो चंडीगढ़ में रह रहे होंगे या फिर चंडीगढ़ की गर्मी जिसको पता होगी उनको पता चल ही चुका होगा कि चंडीगढ़ में बहुत गर्मी आ गई है। तो जब कल सेवी को हम कर दे रहे थे, उसके बाद उसने रात को डिनर भी कर लिया था, ब्रेकफास्ट भी कर लिया। एक्चुअली क्या हो जाता है ना, इसको जब अंदर से गर्मी हो जाती है ना, उसको ठंडा ठंडा खाने का मन करता है। तो किसी एक भैया का कमेंट आया था कि आप लोग इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहे हो, बस आप लोग अपनी उसमें लगे हुए। तो हम भैया को मैं बोलना चाहूँगी, भैया सेवी को गर्मी हुई थी क्योंकि सेवी को हम बचपन से पाल रहे हैं, हम नींद्रुव और पापा, तो उन लोगों को पता है कि सेवी को कब क्या होता है और कब हॉस्पिटल ले जाना होता है, ये भी हमें पता होता है। आपने इतना ध्यान रखा सेवी का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकेंडली गाइज, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, इस चीज़ के लिए लोग कुछ बोल रहे थे शू कवर, तो दिस इज़ नॉट अ शू कवर, ये शू कवर नहीं है, ये सेटी भी बोल सकते, इसको सिटिंग उस पर भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक्चुअली हमने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि जब भी कोई बाहर से लोग आते हैं ना, तो सामान हमेशा या तो यहाँ पे रख देते हैं या फिर वहाँ पे रख सकते हैं। और सबसे मेन कि जब भी हम यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं तो ध्रुव को शूज़ पहनने के लिए इधर आना पड़ता है, तो आप आराम से इस पर बैठ के शूज़ कर सकते हो। और सबसे जो बेस्ट चीज़ है जो हमारे को चाहिए थी, इसलिए क्योंकि जो ये हमारी नीचे चप्पल है, ये हमारी ड्राइंग रूम की स्लिपर्स है, साफ स्लिपर्स है जो हम अंदर पहनते हैं, जैसे मैंने ये पहनी है, तो ये वाली स्लिपर है। तो ये मुझे ना बहुत ऐसे लगता था कि कभी ये यहाँ पड़ी होती थी, कभी यहाँ कभी यहाँ, ये एक जगह रहे, इसीलिए हमने इसके लिए ये स्पेस बनाया था। तो अब देखो कितना अच्छे से लग रही है। तो ये हमने इस चीज़ के लिए लिया था, और आपका कमेंट आया था कि उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, हमने भी ये चीज़ रियलाइज की कि ये बुद्धा जी ऊपर ही होने चाहिए और इस साफ स्पेस पे रखे हुए हैं, तो अभी अच्छे लग रहे हैं। तो ये इस चीज़ के लिए रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली पहले वाईफाई था हमारा, तो वाईफाई के ना ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे एक चीज़ लाते ताकि हमारा कैमरा भी रह सके और हमारा कुछ सामान भी यहाँ पे आ सके। तो ये दो रीज़न था इन सब चीज़ों से। तो इतनी तो हम चीज़ें ला ही सकते हैं, इतना तो हम कमा ही लेते हैं यूट्यूब से, है ना, आप लोगों ने बोला भी। तो बस ये कुछ सवाल थे जो मुझे लगा कि आप लोगों को आंसर करने चाहिए, आप लोगों ने इतने प्यार से कमेंट किया है तो मैंने कर लिया। अब ध्रुव से मिलते हैं ज़रा, ध्रुव जी क्या करें, उनके ऑफिस से तो फ्री हो ही गए होंगे वो, है ना। हेलो, सबसे पहले तो गाइस ईद मुबारक टू ईच एंड एवरीवन। मैं बाहर देख ही रहा था कि मेरा कैसा मौसम है, तो गर्म हवाएं चल रही है अभी भी। हाँ, पहाड़ ठीक है यार, पहाड़ों में तो है बारिश हो रही है। हाँ, पहाड़ों में बारिश हो रही है, यहाँ पे अपर शायद वीकेंड्स में हो जाए यार। चेन पहनी है। हाँ यार, ये मम्मा ने मेरे को चेन दी थी ना, तो उनकी वो याद भी आ रही थी, तो चलो एटलीस्ट पहन लेते हैं। और आज के ब्लॉग का बता दिया कि क्या करना है। हाँ, आज के ब्लॉग के लिए ना हमने पापा से, मैं कल खुद ही डिस्कस कर रही थी कि पापा कुछ मस्ती करते हैं, तो पापा ने बोला कि मैनू कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। तो आज पापा के लिए भी हमने सोचा, होप आपको अच्छा लगे, क्योंकि हम गाइस जो भी करते हैं वो यही बना के सोचते कि आपको अच्छा लगे और एंटरटेनमेंट क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं, नया कंटेंट एंटरटेनमेंट। आज भी हमने कुछ इंटरेस्टिंग सोचा है और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं मैं और अंजना विद पापा, विद पापा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। इसको घूमना है, इसको घुमाने ले जाते हैं पहले, है ना, तब तक पापा भी आ जाएगी क्योंकि ध्रुव ने पापा को कॉल कर दिया था। ठीक है, तो हमारी वॉक भी हो जाएगी, टॉक भी हो जाएगी।
वॉक एंड टॉक भी हो रही थी, पर अब ना मेरे को वाला स्पेस अच्छा लग रहा है ध्रुव काफी। हाँ। आपको कैसा लग रहा है भाई? बहुत प्यारा है यार, इससे अच्छा स्पेस ही नहीं है पूरे मार्केट में। ये देखो वाह, इसको यहाँ से मैं ऐसे ले जा भी सकता हूँ साथ में। अरे अरे इसने हाई फाई नहीं किया आज, ये हाई फाई नहीं किया आज, अब इसको घूमना है। अभी देखना पूरे दिन ये सोया रहता है क्योंकि इसको भी ऐसे होता है, इसके लिए एसी हमेशा एसी वाले रूम में ही होएगा ये, क्योंकि इसको तो भाई अभी हमने एसी ऑन करना शुरू नहीं किया क्योंकि हमें ऐसे जरूरत नहीं पड़ी। बट आई थिंक मुझे तो ना गर्मी ज्यादा लग रही है, एसी ऑन कर दो, एसी ऑन कर दो। पहले ध्रुव को ज्यादा लगती थी, शायद मैंने वेट गेन किया है मे बी इस करके, हो सकता है इस करके लगे क्योंकि मुझे विन का वेट थोड़ा ज्यादा होता है ना। हाँ। उनको गर्मी थोड़ी ज्यादा वही ना, क्योंकि लास्ट ईयर क्या होता था ध्रुव एसी ऑन करते थे और मेरे को अपने ऊपर क्विल्ट लेनी होती थी क्योंकि मेरे को एसी से बहुत ठंड हो जाती थी। एंड अब ऐसा हो रहा है कि ध्रुव बोलते नहीं एसी ऑन नहीं करना और मैं बोलती हूँ यार एसी ऑन करो क्योंकि मेरे को इतनी गर्मी कभी लगी ही नहीं है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, लास्ट ईयर मेरा वेट गेन था इस बार कम है? नहीं इस बार दोनों बराबर आ गया ना, लगती इतनी ज्यादा ठीक है, लगती तो है। तो गाइस ये हम वॉक करके जा रहे था कि हमारी भी वॉक हो जाए और सेवी भी थक जाए थोड़ा और खेले रात भर, क्यों ध्रुव है अब तो आएगी इसको, चल 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 रुकना नहीं है। खड़े हो ना आप और सेवी उधर को, अच्छे लगोगे। ओह भाई बाह बाहर जो गर्मी है भाई, बाहर जो गर्मी है। अच्छा पापा की गाड़ी थी यहाँ पे, अच्छा आपकी गाड़ी तो यहाँ पे है फिर यार माता रानी के। हाँ नवरात्रों में तो बहुत शुभ रहता है, सेवी को कर देते फिर ये होता नहीं ना टाइम। इसको घुमाओ थोड़ा, दौड़ाओ इसको थोड़ा, दौड़ेगा थोड़ा, ये भी दौड़ना तो ऐसे हमें भी गई है। तो भाई सेवी को घुमाना हो गया था और मैंने पूजा भी कर ली है, बढ़िया जोत जली है। तो माता रानी के नाम पे, पहले तो मेरे घर पे ऐसा होता था कि 9 दिन पूरे जोत जलती थी और जोत को ना अकेले छोड़ के जाते थे नवरात्रों के टाइम। तो अब थोड़ा सा हमारा ऐसा होता ना कि बाहर भी जाना होता था, उस वजह से फॉलो नहीं हो पाता। तो पापा क्या करते हैं कि मंदिर में ही घी दे देते हैं, वहीं पे जोत जली रहती है। बाकी मैम आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज, क्या है वो बता दो पहले तो। आज हम चैलेंज करने वाले हैं पापा के साथ, मतलब हम तीनों का चैलेंज है। हाँ। तो हम मतलब ज्यादा नहीं, 2 दिन चैलेंजेस करेंगे, हम एक चैलेंज दो। हाँ, अभी दो ही करेंगे, अगर और नहीं चाहती है मोर तो हम कभी और कर लेंगे, बट अभी हमने दो ही प्लान किया, एक तो ये हेडफोन वाला और एक अपना दूसरा, अभी बताएंगे नहीं। हाँ दूसरा भी बताएंगे, वो खतरनाक है। हाँ वो बड़ा खतरनाक है। तो हेडफोन वाला क्या है, विस्पर चैलेंज। तो विस्पर चैलेंज में क्या होता है कि भाई अपना हेडफोन लग जाएगा ओपोनेंट के कान में, फुल साउंड में म्यूजिक होगा, अंजना को मैं 2-3 वर्ड्स बोलूंगा, फिर अंजना को गेस करने हैं मतलब थ्रू लिप सिंक की क्या बोल रहे हैं। जो एक ही जीतेगा ना उसमें, जो ठीक है जो हारेगा उसको मतलब डेयर करना होगा, एक डेयर वो हम देंगे, डेयर कोई भी आ। तो पापा ने वहां पे ज्वाइन कर लिया, पापा ने भी लिया, रिलैक्स हो ना। ऐसे तो नहीं कि अभी पहुंचे और अभी कैमरा ऑन, क्योंकि हमें कमेंट्स ऐसे आते हैं कि पापा को बैठने भी नहीं देते और तुम शुरू हो जाते हो। दो चैलेंजेस है बेसिकली। तो पहला चैलेंज ये है कि हेडफोन है आपके कान में और उसमें म्यूजिक चल रहा है, तो बाहर से कुछ ये बोलेगा आपको, इसकी लिप सिंक पढ़ने और क्या समझ आया वो बोलना है। गाने चला दियो क्योंकि हेडफोन्स लगा के सीरियसली कुछ नहीं सुनाई देता अंदर की क्या बोल रहे हैं। तो थोड़ा जोर से बोलिए अंजू, कोई चक्कर नहीं, क्या कर अंजू, अब ध्रुव बोलेगा। अंजू जा ना देखो कच्चा पापड़ इधर देखो। नहीं नहीं ये बंद नहीं करना पापा, इसकी लिप सिंक पढ़ो ये क्या बोल रहा है। कच्चा पापड़ कच्चा, यार मेरे को नहीं पता चलता क्या बोल रहे हो तुम। पापा के साथ तो एक राउंड हो गया तो पापा को समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा अंजू के साथ करते हैं, अब देखते जरा इसको समझ आता है कि नहीं आता है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले
दिलवाले दीवाना हाँ दीवाना दिलवाले दीवाना हुआ दिलवाले है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। म्यूजिक तो नहीं बंद हो गया ना म्यूजिक चल रहा है सही बोला देखा पापा बिग क्लैप तेरी करना एक ही करेगी तू और बोलेगा चल चल एक और कर ले आप हार गए हो आपको पनिशमेंट मिलेगी चलो प्ले करो पनिशमेंट तो है तुझमें रब दिखता है तुझमें 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 रब रब दिखता दिखता है है तो बोले नहीं भाई एक और लास्ट जय श्री राम क्या जय श्री एक बार बोल पहले जय कहाँ गया चंडीगढ़ गया हाँ जय श्री राम इतना इजी है यार जय श्री राम वाह यार बड़ी अच्छी अंजू इस गेम में हाँ। मेरी बारी गाने तो मेरे फेवरेट लगा दे ओ भाई बहुत जोर से है आराम से ऐसे लगता है कि भाई अंदर बहुत जोर से बज रहा है और मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ इस टाइम मैं बहुत बोल रहा हूँ इस गेम में तेरी बातों में उलझा जिया आराम से तेरी बातों में उलझा जिया यही बोल सकती है मेरे को लग गया आइडिया और चल पर चलिए क्या चल पर चलिए क्या चल पर चलिए तेरी किस्मत कैसी है चल पर चलिए क्या दोबारा लास्ट बार चल पर चलिए क्या इरादा है तेरा क्या खाना है क्या खाना बनाया चल समझ नहीं आ रहा क्या खाना खाया चल तू चल मैं आया चल मैं हार गया भाई चल चल जा चल पज चलिए हार गया यार आप इतना कर लिए बस करंट वाला इस गेम में मैं जीती हूँ ना तो ध्रुव की पनिशमेंट है कि वो जो हमारे अगले चैलेंज की वो स्पाइसी नूडल है वो बनाओगे आप और अच्छा। आपकी पनिशमेंट है इधर आओ अच्छा बैठ के भी देगी पनिशमेंट छोटी सी पनिशमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी पनिशमेंट कोई वो नहीं है इसमें पापा पनिशमेंट पूरी करनी पड़ेगी आप करोगे तो पनिशमेंट ठीक होगी तो करेंगे ठीक है प्रॉमिस करना पड़ेगा पहले बहुत ही दुनिया से पहले आप कर सकते हो ऐसी पनिशमेंट आप फिर गाना सुनाना डोंट से नो आप मना नहीं करोगे वरना मैं नाराज हो जाऊंगी ये तो बड़ा इजी काम है पापा कोई भी गाना गाना गा लो कोई यार तो उसके बर्थडे पार्टी थे है वाह ना वो सारे थोड़ा सा एक लाइन हाँ ठीक है आप एक नहीं दो लाइन है गा तो और जैसे आप गा तो ना सुर के साथ वैसे हाँ आपको जो गाना आता है वो गाओ आप इसमें कोई वो नहीं इसमें क्या कोई शर्म इसमें कोई पाखेड़ रजी तो है ही नहीं है हम अपनी मस्ती कर रहे हैं जैसे आप चुनती हैं जल्दी कौन सा गाऊंगा आपका जो हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह गा लो हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह बोलना थोड़ी है हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तो बस एक बार मिलने का मौका दे नहीं चलो बहुत बढ़िया तालियां इतना भी ट्राई किया वो भी बहुत बड़ी बात है चल ठीक है तो भाई अब मेरे को मेरी पनिशमेंट की बारी है क्योंकि मैं भी हार गया था अंजना विनर थी अब हमने करना स्पाइसी नूडल का चैलेंज ये अपने पास हॉट एंड स्पाइसी रेडियो हॉट एंड स्पाइसी के लिए स्पाइसी नूडल्स में टेस्ट करेंगे वैसे इतनी स्पाइसी भी नहीं होती पर ठीक है बना देता हूँ थोड़ी सी ज़्यादा नहीं बनाएंगे एज पर मैं पनिशमेंट मैगी रेडी है चैलेंज के लिए तैयार हो
स्पाइसी नूडल चैलेंज, और उसमें जो पहले खाएगा वो विनर, और जो सबसे एंड में आएगा उसके लिए छोटी सी पनिशमेंट। तो अगर आपको गाना नहीं गाना दोबारा से तो जीतना पड़ेगा। यही कर सकते हैं ना, पर कम कम दूंगा, टेंशन मत लो, कम ही बनाई है। पर देखो आप कितनी लाल है भाई, मजेदार होने वाला चैलेंज। लो जी भाई, स्पाइसी नूडल चैलेंज के बाउल्स आ चुके हैं गर्मा गर्म, पनिशमेंट खत्म हुई, न्यू चैलेंज शुरू होएगा अब। तो मैं कैमरा लगा रहा हूँ यहाँ पे, सेवी भी है क्या चैलेंज में? सेवी तू भी है? हाँ। रुक जा, अभी शुरू मत करना, ठंडा कर लो अपना अपना तब तक, पीने के लिए साथ में। सेवी भाई थोड़ी सी स्पेस दो मेरे को, तो खाना जो भी शुरू किया, हाँ अभी तू की मार दी है, सब एक साथ शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। अंजू तो भाई वैसे मैगी का बहुत शौक रखती है, इनके लिए कोई चीटिंग नहीं होगी। सेकंड वाले के भी पनिशमेंट तो है छोटी। मतलब गाना गाने से अच्छा चुपचाप नीचे से एंड कर लेते हैं। तो इट मींस अंजू हारी है, अंजू हारी है, जो मैगी लवर है इसलिए मैंने भी खत्म कर दिया है। विनर देगा लूजर को पनिशमेंट। तू गाना गा। नहीं अब तो क्या गाना गाने का दिया है, कौन सा गाना वो भी आप बताओ। मैं तो अपने आप जो तेरे मन में है देखा, जब अपनी बारी आती है तो समझ नहीं आता कि कौन सा गाए। तो आया नहीं, अभी आएगा, अभी आएगा ना। रहते हो बस मेरी इन बहुत मिर्ची है मेरी इन बातों में हंसते हो फंसते हो। मैं भी होगी सेकंड की पनिशमेंट से, गाने के डर से करा दिए। पर ये है कि इतनी स्पीड में खाने के लिए नहीं है, आराम आराम से मजा लेते हुए सूप पीते हुए इसका, तो ऐसे खाने वाली चीज है। बट एनीवे गाइस, मैं सोच रहा हूँ व्लॉग एंड कर देते हैं। नहीं, पहले पापा बोलेंगे ये बोल दो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं नहीं, मतलब बहुत ही एट हो गया ना, तो 50 के लिए थोड़ी है, 20 तारीख तक अगर 50 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे अंजना के, तो हम गिव अवे करेंगे कि अप्रैल तक ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो, 50,000 पूरे करो। हां, तो देख लो पापा ने भी बोल दिया है, और हमने एक चैलेंज भी कर दिया है, तो ये चैलेंज में हमने काफी मजा किया। तोतो ने भी बोल दिया, सेवी भी बोल रहा है भाई बीच में, है ना, 50,000 करवा देना। और मैं चाहती हूँ गाइस जबरदस्ती कोई, मतलब जो हमारा कंटेंट पसंद करते हैं वही आए। हाँ, वही आए। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइक आप तो केजरीवाल की तरह हो गए हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, बार बार बोल किसी को पसंद है तो प्लीज करे, नहीं है हम उनको बोलेंगे जो हमें देखना चाहते हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं है। बाकी गाइस कैसा लगा चैलेंज जरूर बताएं। मेरी तो अभी तक खत्म नहीं हुई, मेरी ये तो हारी हुई, इसको तो मैंने और पनिशमेंट देनी है, वो मैं बताऊंगा आपको कल क्या दी है। अभी के लिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड, वी होप कि आपको ये हमारा जो फैमिली चैलेंज जो हमने किया आपस में अच्छा लगा हो,
और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।